ऑलराइट गेमर्स, आ चुका है भाई इन्फिनिक्स GT20 प्रो भाई। और ये भाई इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है गेमिंग के पर्पज़ के लिए भाई, क्योंकि इन्फिनिक्स वालों ने भाई बिल्कुल गेमिंग के ऊपर फोकस करके रखा है कि हम 3 से 4 महीने के अंदर नए नए गेमिंग फ़ोन लॉन्च करते रहेंगे। और भाई इन्फिनिक्स GT20 प्रो तो बहुत ही ख़तरनाक है। इसके साथ आपको एक गेमिंग किट भी मिलती है, जिसके अंदर भाई आपको एक कूलिंग वाला भी मिलता है, जिसके वो आप कूल करके भाई अपने फ़ोन के जो FPS है वो काफ़ी मेंटेन करके रख सकते हो। तो बात करेंगे कि भाई क्या इसमें 120 FPS मिलेगा, ये बस एक स्कैम है जो इन्फिनिक्स वालों की तरफ से किया, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता जा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं भाई कि हमें इसमें 120 FPS मिलेगा या नहीं। तो गाइस इसमें 120 FPS तो ज़रूर ही मिलेगा, पबजी मोबाइल के ऊपर 120 FPS इसके अंदर आ चुका है भाई। और बात करते हैं भाई कि एक बहुत बड़ा मतलब कि जो स्कैम चल रहा है भाई इन्फिनिक्स वालों का, वो ये है कि भाई इसके मदरबोर्ड बहुत जल्दी डेड हो जा रहे हैं भाई। मतलब कि मैंने यूट्यूब पे देखा तो भाई बहुत सारे वीडियोस में दिखा रहा था कि भाई इसके मदरबोर्ड का अब बहुत सारा इशू आ रहा है। तो मदरबोर्ड ये फ्री में तो रिप्लेस कर दे रहे हैं, लेकिन ये डेड हो जा रहे हैं भाई। तो ये सीन अभी मुझे कुछ पता नहीं चला है, अगर पता चलेगा तो मैं जल्दी एक नई वीडियो बना के लाऊँगा इसके ऊपर। तो बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्या ये फ़ोन लेना चाहिए, मतलब इसमें क्या स्टेबिलिटी है FPS की जो ये मेंटेन करके रख सकता है। तो भाई इसमें स्टेबिलिटी तो कुछ नहीं है भाई, मतलब कि ये बस एक डब्बा है भाई, मतलब कि आप 20-30 हज़ार में कुछ कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उसके सिवा भाई आप जा सकते हैं एक IQ Neo 9 की तरफ, जो कि है भाई आपको आप ले सकते हो। IQ Neo 9 काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई, और अगर आपको IQ Neo 9 का आपका बजट नहीं है तो भाई आप IQ Neo 7 Pro ले सकते हो। वो काफ़ी ख़तरनाक सी गेमिंग कराता है भाई, मैंने खुद उसे पर्सनली यूज़ करके देखा है, तब मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। क्या हमें भाई इन्फिनिक्स GT20 Pro अगर लेना है तो हमें क्या ये लेना चाहिए, तो भाई कैमरा वैमरा तो बहुत डांस हुआ है, और बैटरी भी बहुत मज़ेदार है भाई, 5000 mAh की बैटरी है, और कैमरे भी अच्छे ही हैं, ठीक ठाक हैं भाई, मतलब ऑन दी एवरेज भाई की सही है। लेकिन 45 वाट का चार्जर इसमें मिलता है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि भाई अगर 60 वाट का होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं भाई, गलतियों से ही तो सीखते हैं। देखते हैं भाई इन्फिनिक्स वाले क्या सीखते हैं। अगर बात कर लेते हैं क्या ये वर्थ होने वाला है फ़ोन, मतलब कि ये फ़ोन वर्थ होने वाला है 20 हज़ार के लिए, तो हाँ भाई 20 हज़ार के लिए वर्थ होने वाला है, जो मतलब कि हैवी गेमिंग करते हैं, जो मतलब कि 1-2 घंटे में भाई बस 1-2 घंटे गेमिंग करके फिर उसके बाद रेस्ट लेके भाई 1 घंटे बाद गेमिंग करते हैं, तो उनके लिए तो सही है भाई। लेकिन जो मेरे ख़तरनाक से यूट्यूबर भाई हैं जो स्ट्रीम करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग करते हैं, 4-4 घंटे खेलते हैं, तो भाई नहीं नहीं है तुम्हारे लिए ये फ़ोन भाई। तुम जा सकते हो भाई मेरे सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि है IQ Neo 7 Pro। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।